तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट एलईडी के अंदर जो है स्क्रीन मिररिंग कैसे किया जाता है, यानी कि जो है आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जो है टीवी के अंदर जो है कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड जो है आज हम जो है सबसे सरल भाषा में बात करने वाले हैं कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को जो है टीवी में कैसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आपको स्मार्ट एलईडी के अंदर नेट की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, कैसे आप टीवी का साउंड जो है अपने होम थिएटर पर कैसे प्ले कर सकते हैं, तो इसकी भी वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। तो उसको भी जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को भी जो है देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि इस स्मार्ट एलईडी के अंदर जो है मोबाइल कैसे शेयर किया जाता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप जो देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे जो मोबाइल में जो स्क्रीन है अभी फ्रंट में वही जो है टीवी के अंदर भी जो है शो कर रही है। जैसे कि अगर मैं इसमें स्लाइड करूंगा तो आप यह टोटली देख सकते हैं कि यह टोटल जो अभी मेरी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो टीवी के अंदर में शो हुई पड़ी है। तो हम सरल भाषा में जो है पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप मोबाइल की स्क्रीन को जो है अपने टीवी में कैसा चला सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन को जो आप टीवी में कैसे शेयर कर सकते हैं। आपको मोबाइल में जो है जी स्लाइड करना है और मोबाइल में आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल में जो है स्क्रीन मिररिंग है या नहीं है। यानी कि अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन है या अगर स्मार्ट मिररिंग का ऑप्शन है या कास्ट का ऑप्शन है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कास्ट का ऑप्शन है या मिररिंग का ऑप्शन है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे मोबाइल में जो है स्मार्ट मिररिंग का ऑप्शन दे रखा हुआ है तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो स्क्रीन कास्ट करना है, यानी कि जो आपके जो टीवी का जो नाम होगा वो आपके मोबाइल पर यहाँ पर जो है शो करने लग जाएगा। उसके बाद जो आपको मोबाइल को जो है उसके बाद जो है आपको उस नाम को जो है एंटर करना है और नाम को एंटर करने के बाद जो आपको 10 सेकंड के लिए वेट करना है। जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि जो मेरा मोबाइल है वो फाइनली स्मार्ट एलईडी के अंदर जो है स्क्रीन मिररिंग करने के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद जो आपको बैक आना है और बैक आने के बाद जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि अगर आपको स्क्रीन मिररिंग वगैरह करना है तो आप इजीली जो है आप इसमें जो है स्क्रीन मिररिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो वगैरह जैसे देखना है या यूट्यूब वगैरह पर तो जो है आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियो वगैरह भी जो है देख सकते हैं। प्लस अगर आपने अगर कैमरे से अगर कोई वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रखी है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको अपनी स्मार्ट एलईडी में जैसे वीडियो वगैरह देखनी है तो जो आप अपनी गैलरी में जाके कोई वीडियो वगैरह भी जो है देख सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड कर रखी है। कि अगर आपको लगता है कि बड़ी स्क्रीन में अगर आपको वो वीडियो देखनी है टीवी के अंदर में तो जो आप इस प्रकार से जो है स्मार्ट एलईडी में जो है स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि सैमसंग की स्मार्ट एलईडी के अंदर जो है स्क्रीन मिररिंग कैसे किया जाता है और बात करेंगे साथ ही कि जो सैमसंग की स्मार्ट एलईडी आ जाती है उसके अंदर जो है नेट की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है और कैसे आप टीवी का साउंड जो है विदाउट वायर के अपने होम थिएटर पर कैसे प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा जो यह एलईडी है मेरे पर जो अभी लगी हुई है वो लगी हुई है एलजी कंपनी की और जो मेरे पर अभी जो मोबाइल है वह जो है अभी वीवो कंपनी का मोबाइल है। इस प्रकार से जो है आपको जो है कनेक्टिविटी करनी है और अगर आपके पास अगर लॉयड की एलईडी है उसमें अगर आपको स्क्रीन मिररिंग करनी है तो जो है आप लॉयड और एलजी की स्मार्ट एलईडी के अंदर जो है सेम तरीके से जो है आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सैमसंग स्मार्ट एलईडी के अंदर स्क्रीन कैसे मिररिंग किया जाता है, एमआई की स्मार्ट एलईडी के अंदर कैसे स्क्रीन मिररिंग किया जाता है तो उसकी भी वीडियो जो है जल्द से हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आ जाएगी। धन्यवाद।